बरेली में आंवला थाना क्षेत्र निवासी एक विधवा महिला ने अपने नंदोई और उसके भाई पर बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल घटना आंवला थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां की रहने वाली एक महिला के पति की मौत हो चुकी है, जिसकी संपत्ति पर महिला और उसके बच्चों के नाम बतौर वारिसान दर्ज कराने के बहाने उसका नंदोई भूपराम 2 जनवरी को विधवा को अपने साथ रामनगर ले गया। आरोप है कि जहां रात करीब 11 बजे विधवा महिला को उसके नंदोई भूमराम ने अपने कमरे में बंधक बना लिया, इसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं 3 जनवरी की सुबह विधवा महिला जब वहां से किसी तरह निकलकर अपने घर जाने लगी तो उसके नंदोई का भाई रामावतार रास्ते में मिला, जो विधवा को समझा बुझाकर और शांत करा के दोबारा उसी कमरे में ले गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों भाइयों ने अवैध असलाह के बल पर पीड़िता को करीब 5 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। इस बीच छानबीन करते हुए विधवा महिला के फूफा और चाचा जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़िता को बंधन से बाहर निकाला और 7 जनवरी को उन्होंने आंवला थाने जाकर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित विधवा ने न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मेरे साथ गलत घटना हुई, मेरे नंदोई में गलत व्यवहार, पति खत्म हो गया। पति आपके खत्म हो गए? हाँ। कब की घटना है ये? 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले। आप अपने संबंधित थाना गए थे? हाँ गए। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या चाहते हो? आप सुनवाई करना चाहते हैं? अभी साहब से मिले आप? मिले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यहाँ से कोई कार्रवाई जा रही है, वहाँ से थाना से कोई लौट के ना आ रही है, कोई सुनवाई नहीं है।